कैसे मृत्यु रोगी की आंखों का इलाज कर दिया, जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पष्ट मृत हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के दर्द होते हैं, विभिन्न कारणों से हमें समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो गई अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हाँ जी, क्या नाम है आप? सैयद नावेद। सैयद जी कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। क्या परेशानी हुई है? आई साइड वीक है। कब से वीक है? लगभग 12 साल। 12 सालों से आपको दिखाई कम दे रहा है। दूर का के पास का? दूर का जी। दिन में के रात में? दिन में। 12 साल से आपको दूर का दिखना कम हुआ जी, है ना, जब आप स्कूल में थे। ठीक, तो आप कहीं दिखाए थे? हाँ दिखाए थे, पास के डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब के पास चेकअप किया। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने सप्लीमेंट दे दिए। हाँ, और चश्मे का नंबर दे दिया 0.5 का। हाँ, जिससे जो चश्मे से कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक। और फिर सप्लीमेंट दे दिए, लेकिन वो सप्लीमेंट हमने लिया, 3 महीना लिया, 6 महीना लिया, लेकिन कोई रिजल्ट हमें नहीं, दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद किसी दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया? हाँ सर, दवाखाना हमने चेंज कर दिया। फिर? और फिर हम दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, फिर उन्होंने भी वही दिया, सप्लीमेंट दिए, बोले आपकी उम्र अभी कम है, सप्लीमेंट खाओ, बढ़ जाएगी रोशनी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर? और फिर वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर सर हम, किसी ने हमको सजेस्ट किया कि एलवी प्रसाद जाओ हैदराबाद। ठीक है। तो हम सर एलवी प्रसाद गए। हाँ। फिर एलवी प्रसाद में गए हम, तो वहाँ पे चेकअप किया, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके रेटिना में जो नसें हैं वीक है, तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसका कोई इलाज नहीं है। फिर? इस पर अभी रिसर्च चल रही है, जब आ जाए ना रिसर्च तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसा बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर हम वहाँ से आ गए, फिर 10th हमने काट ली सर, वैसी लो विजन ग्लासेस का यूज़ करके। ठीक। और 10th पास कर लिया आपने? 10th पास कर ली, और फिर 12th भी सर उसके भरोसे पे पास काट ली हमने। और फिर उसके बाद एजुकेशन में प्रॉब्लम आ गई सर, बंद कर दी पढ़ाई, बंद कर दी पिछले 2 साल। ठीक, तो मतलब दिन का अब लो विजन एड से भी आपको दिखना बंद हो गया था, इसलिए आपने पढ़ाई बंद कर दी। 2 सालों से आप घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको दूर का दिखाई नहीं पड़ता। पास में क्या दिक्कत होती थी? उस पास में भी सर, पास में पहले हो जाता था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे पास में जो रीडिंग, जो बुक रीड करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही। कितने सालों से? लगभग 4-5 साल। 5 सालों से पास का दिखना भी बंद हो गया। लो विजन एड लगाया, थोड़ा बहुत दिखा, और 2 सालों से वो भी बंद हो गया। कलर आप पहचान पाते थे कि वो ही बंद हो गए थे? नहीं, कलर पहचान लेते हैं। पहचान लेते थे। वहाँ पे एलवी प्रसाद ने चेक किया था, तो कलर विजन भी निकला था उसमें सर। तो कलर विजन निकला था, आप पूरे पढ़ लिए थे पूरी? नहीं, पूरे नहीं पढ़ पाए थे सर, आधे पढ़ पाए थे। आधे पढ़ पाए थे, मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी आपको शुरू हो गया था। नाइट में कोई प्रॉब्लम आना शुरू? नाइट में बस अभी प्रॉब्लम आ रही है पिछले 1 साल से। 1 साल से आपको रात में भी दिखना कम हो रहा है। ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है सर। ड्राइविंग कब से बंद करी? बंद नहीं करी, चालू है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम के साथ, बहुत धीरे 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 चलाते हैं कभी कभार। अति आवश्यक काम हुआ, जरूरी काम हुआ, कोई है नहीं घर पे, तो आपको ड्राइव करना पड़ती है, लेकिन दिक्कत के साथ, वो भी बहुत दिक्कत होती है। स्पीड ब्रेकर गड्ढे नहीं दिखते होंगे? नहीं, साइड में कौन आया वो भी नहीं पहचान आता होगा। साइड का हो जाता है, लेकिन अपने एरिया में चला लेते, दूसरी जगह नहीं जा सकते, दूसरी जगह ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। पैसा देने लेने में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पेरिफेरल तो ठीक है। नहीं, सामने कलर नहीं दिखता ना, तो नोट का मैं आपसे कह रहा हूँ, नोट आप दे आइडेंटिफाई कर लेते हो आराम से? नहीं, प्रॉब्लम आती है, नोट प्रॉब्लम आती है, पैसा लेन देन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो अभी 1 साल से आपको रात में भी दिखना कम हो गया, साइड विजन आपकी कम हो गई, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी, गाड़ी ड्राइविंग बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं आप। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। दिखता है कुछ? पढ़ सकते हो? नहीं। नावेद जी देखिए, अब दिख रहा है सामने कुछ? जी, एल दिख रहा है। एल दिख रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा। दूसरी आँख से देखिए। 2 लीटर है जी। नहीं, इससे नहीं, नहीं दिख रहा। आप क्या हो सकता? हेलो, धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है ना।
तो आज स्थिति आपकी ये है कि आपको राइट आँख से फर्स्ट लेटर धुंधला दिखाई पड़ रहा है और लेफ्ट आँख से साफ दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, कौन सी लाइन साफ दिख रही है? जो साफ दिख रही है सबसे नीचे वाली दिख रही है जी। पढ़ो, ग्राउंड एंड द लिटिल, उसके ऊपर जी लिटिल है, उसके ऊपर ब्लॉसम्स अपॉन द, उसके ऊपर आ रहा है कुछ नहीं, उसके ऊपर मुश्किल है जी, नहीं दिख रहा है लेकिन ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है पर पढ़ नहीं सकते। फर्स्ट 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 लेटर पढ़ ले रहे, लेटर समझ रहे हैं, वर्ड नहीं समझ रहे। दूसरी आँख से देखिए, इससे तो मुश्किल नहीं आ रहा, मतलब नहीं समझ नहीं आ रहा ना, नहीं लेटर दिख रहे हैं बस थोड़े थोड़े, पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। 8529397 54 पहला वाला नाइन है, पहला वाला नाइन नहीं एट है, मुझे नहीं मालूम। ओके, 8 7 4 दिख रहा है, मतलब थी थर्ड लाइन कम दिख रही है। ठीक, हाँ कम दिख रही है, अब उसके नीचे का क्लियर नहीं है। 8 7 4 दिख रहा है। ठीक, हाँ 8 7 4 दूसरी आँख से देखो, 8 5 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, इसका नहीं समझ आ रहा और उसके नीचे को नहीं समझ आ रहा। हाँ भाई जी, आज आपकी स्थिति ये है कि राइट आँख से आपको दूसरी लाइन के दो अक्षर दिखते हैं जी, बीच वाला नहीं दिखता, और लेफ्ट आँख से तीन अक्षर, गिनती के तीन अक्षर दिखते हैं, बीच वाला तीसरा चौथा नहीं दिखता, मतलब थर्ड नंबर का नहीं दिख रहा, बाकी के चार दिख रहे हैं। ठीक, नावेद जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, इसमें आप देख रहे हो सेंट्रल विजन आपका टोटली लॉस है, ऊपर की साइड 6.9 इंच नहीं दिखता, नीचे 10.2 इंच नहीं दिखता, आपके राइट हैंड साइड पे 4 इंच नहीं दिखता और लेफ्ट हैंड साइड पे 10.5 इंच नहीं दिखता है ना। इसका इतना बड़ा ये स्कोटोमा है, बीच में आपकी नज़र के रहता है, कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो ये इसके आसपास की चीज़ दिखती है, सेंटर की दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, इसी तरह अब आपका पेरिफेरल विजन भी सुकड़ना शुरू हो गया है, अपर साइड पे लगभग 4 इंच आपका सुकड़ गया है और 10.1 इंच ही आपको दिखाई पड़ता है। हम प्रयास करेंगे कि आपका पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन दोनों सुधरे और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ कम हों। नावेद जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आँख, और इसमें आप देख रहे हो सेंटर में एक काफ़ी बड़ा स्कोटोमा है, सेंटर में आपको दिख नहीं रहा है, और सेंटर नहीं दिखना मतलब मैक्युलर डीजनरेशन है। आपको क्या कहा गया था बीमारी? मैक्युलर डीजनरेशन। आपने महाराष्ट्र में कई जगह दिखाया, सभी ने एक ही चीज़ कही कि मैक्युलर डीजनरेशन है, इलाज कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे कुछ अपने आप कुदरती ठीक हो गया तो हो गया। साउथ में कहा एलवी प्रसाद गए थे आप जी? हैदराबाद गए थे। हैदराबाद क्या कहा गया था? कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस बीमारी का, कोई इलाज अभी तक नहीं है, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो स्कोटोमा है बीच में जो नहीं दिख रहा है जी, ऊपर 6.2 इंच है, राइट हैंड साइड पे 6.2, नीचे 9 इंचेस और लेफ्ट हैंड साइड पे 9 इंच आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, अपर साइड में ऊपर की तरफ आपको 9.8 इंच का विजन है, उसके बाद फिर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि आपका पेरिफेरल विजन भी कम होने लगा है, कम होने का मतलब है कि हो सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी आपको बीमारी साथ में आ गई हो। क्या क्या परेशानी होती है आपको जिंदगी में? जिंदगी में पढ़ाई में परेशानी होती है, और ब्लैक बोर्ड से देखने की, और रीडिंग करने की, हाँ ड्राइविंग की, ड्राइविंग की, राइटिंग की, हर दूर की चीज़ें, फेस रिकग्नाइजिंग की, चेहरा नहीं पहचान पाते, चेहरा नहीं पहचान पाते कौन आया आपके सामने, बहुत सारी परेशानियाँ, और अभी नाइट में भी थोड़ा सा हो रहा है, नाइट में भी दिखना कम हुआ है जी, कलर्स भी आपको कम दिखाई देते हैं जी, तो पैसा लेन देन में भी आपको सोचना पड़ता है कि क्या दे रहा हूँ क्या लिया है ना। हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सारी परेशानी खत्म हो और आप एक आम इंसान की तरह पुनः जीवन यापन कर पाएं। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। नावेद जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का, पहले कोर्स के बाद आपको जो इम्प्रूवमेंट आया आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना इम्प्रूवमेंट आएगा। आपका जो नो विजन एरिया था अपर साइड पे था,
6.2 इंच वो कम होकर 4.8 इंच बचा है ना, मतलब 1.4 इंच का फर्क आया अपर साइड में। लोअर साइड पे ये था 9 इंच, ये घट के रह गया है 7 इंच, 2 इंच का इसमें भी फर्क आया है। आपकी राइट हैंड साइड पे था ये 6.2 इंच का हो गया है 4.6 इंच, यानी चारों तरफ से आपको फायदा हो रहा है। 4 सेंटीमीटर ये और 1.6 इंच आपको राइट हैंड साइड पे फर्क आया, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो गजब हो गया है। 9 इंच आपको नहीं दिखाई पड़ता था, वो अब सिर्फ 5 इंच का एरिया में सिमट गया है, 4 इंच आपको दिखना शुरू हो गया है। इसी तरह से अपर साइड से आपकी रोशनी खत्म हो रही थी, वो 9.8 इंच तक ही आपको दिखाई पड़ता था, वो बढ़ के 14.3 हो गया है। 9.8 से बढ़कर 14.3 होना, मतलब करीब आपको 4.5 इंच आपकी रोशनी अपर साइड में बढ़ी है। बहुत सारी बधाई हो, आपके जीवन से जो परेशानियां ख़त्म हो रही है वो इसी तरह ख़त्म होती जाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका मैक्यूलर डिजनरेशन भी ठीक हो और आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी ठीक हो। कलर ब्लाइंडनेस में तो आपको ट्रिपेंडस रिलीफ आ ही चुका है और आप डबल से भी ज़्यादा देखना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी बधाई हो आपको, देखें लेफ्ट आँख में क्या फ़र्क आया है। नावेद जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का, और लेफ्ट आँख में आप देख रहे हो कि आपका नो विजन जोन था, जो था बीच में जो आपको दिखाई नहीं पड़ता था, वो कम होना शुरू हो गया है। अपर साइड पे 6.9 था, जो घट के आप 4.8 रह गया है, 1.1 इंच का फर्क आया है। आपके राइट हैंड साइड पे लोअर साइड 10.2 था, वो 7 इंच रह गया है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 10.5 था, वो 7.3 मात्र रह गया है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपका सेंट्रल विजन जो सुकड़ने लग गया था, खत्म होता चला जा रहा था, वो अब सुकड़ना शुरू हुआ है। इसमें ये इम्प्रूवमेंट आया कि आपकी नज़र अब सेंट्रल एरिया में कुछ दूरी तक बढ़ जाएगी, कुछ सीमा तक बढ़ जाएगी। हालांकि अभी पूर्ण नहीं आया है, फिर भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है ना। लोअर साइड पे करीब 3 इंच का इम्प्रूवमेंट है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 इंच का इम्प्रूवमेंट आया है, अपर साइड पे करीब 2 इंच के आसपास का इम्प्रूवमेंट है। ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना राइट आँख में हुआ। अपर साइड पे 10.1 इंच ही आपको पर दिखता था, वो 10.2 इंच हुआ है। इस कामयाबी की बधाई हो आपको। भोलेनाथ की नगरी में आज आपको फिर रोशनी मिलना शुरू हुई है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को। खुश हैं आप? बहुत खुश। एक उम्मीद मिली है। एक उम्मीद मिली है। आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद। सभी जगह क्या कहा गया था? इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, शने शने आपकी रोशनी खत्म होती चली जाएगी, है ना। और आप सुरदास हो जाएंगे, घर से आप कुछ भी काम करने में मोहताज हो गए थे। हाँ सर, प्रॉब्लम आता था, बहुत प्रॉब्लम आता था, जिंदगी कष्टमय हो गई थी। और आप परेशान परेशान होते थे। एक जवान बच्चा जो माँ बाप की उम्मीद रहता है कि हमारा साथ बताएगा कंधे से कंधा मिलाकर, वो बच्चा घर बैठा हुआ था क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर। देखिए बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हुआ है, और ईश्वर ने चाहा तो और ज़्यादा फायदा आएगा। अगले राउंड में हम फिर चेक करेंगे क्या फ़र्क आया। बधाई हो। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।